तो भरनी यहाँ पे 11th का मिलने का अर्थ यही है कि जितनी भी बातें थी यम से रिलेटेड वो सारी बातें तुमको यहाँ पे प्रोमिनेंस देखते हुए मिली। आद्रा का ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि वो हमेशा तुम देखोगे उनके साथ कोई ना कोई एक पेट एनिमल उनको सुकून देने के लिए वो अपने साथ में जरूर रखती है। आद्रा का क्वालिटी पाने के लिए समाज से बाहर जाना पड़ेगा। आद्रा नक्षत्र है जो कि बहुत विचित्र है और इसका जो सिंबलिज्म है ना वो टीयर ड्रॉप बोला गया। अब टीयर ड्रॉप आद्रा में है तो उससे पहले ग्लैंड भी तो होना चाहिए, तो मृगशिरा टीयर ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, समझे? जो मून का जो क्वालिटी ना वो रसायन वाला, वो ग्लैंड्स जो है ना वो आईब्रो के जस्ट नीचे होते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड्स। ठीक है, सो आईब्रो के जस्ट नीचे वाला वो इस तरह से मृगशिरा आईब्रोस को डिनोट करना चाहता है। टीयर ग्लैंड्स वहां पे बनते हैं तो इसलिए आंसू, आंखों के नीचे आंसू बनते हैं वहां पे। और तुम इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि टॉरस अब 12th हाउस में जा रहा है, जेमिनाई में आते ही तुम टॉरस जब आंखें और पानी मिल रहे हैं तो इसलिए आंखों का पानी से मिलन टॉरस बना रहा है आंसू के रूप में, ग्लैंड्स को आंसू प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स के रूप में। ठीक है, अब आद्रा के अंदर में 11th हाउस में तुम्हें वन नंबर मिलता है और वहां पे वन नंबर का 11th हाउस में मिलने का मतलब क्या हुआ? फोकस फोकस लाइफ का वहां पे है। हाँ, मतलब एक नंबर इंपॉर्टेंट है, अब पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब आद्रा का जो जन्म है उसमें पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पर्पस के लिए जन्म लिया। ठीक है, जब जब बुलाया गया है शिव को या किसी भी भैरव को, रुद्र को, उसमें पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे समथिंग अबाउट हाँ मृगशिरा, बोलिए। ये द्विपदा नक्षत्र है ना, इसकी दो पदा टॉरस में है, दो पदा मृगशिरा में है। तो बेसिकली फ्रॉम अर्थ प्लेन यू आर जंपिंग इनटू द एयर एंड ऑलवेज आप ये लोग रेडी होते हैं जंप करने को, क्योंकि जो डियर्स होते हैं वो भी मतलब बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो मृगशिरा नेटिव्स जो है ना वो रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पाते अच्छे से, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू जंप ऑफ। तो उनको रिलेशनशिप का भी इश्यू आपको मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जुपिटर एंड तारा का रिलेशनशिप इश्यू था, तो एंड देन मून वॉज नॉट कमिटेड टू तारा इधर। सॉरी आई मिस्ड यू, मेरा कुछ नेटवर्क इशू हुआ, आप फिर से बोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये कहा कि क्योंकि ये द्विपदा नक्षत्र है तो हाँ हम अर्थ प्लेन मतलब टॉरस बीइंग द अर्थ एलिमेंट वी आर जंपिंग टू द एयर प्लेन जेमिनाई में। तो जो मृगशिरा नेटिव्स होते हैं वो डियर की तरह बहुत जल्दी जंप करते हैं, और इसीलिए जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उसमें मतलब हैव प्रॉब्लम्स, तो कमिट नहीं कर पाते हैं ये इजीली। जैसे जुपिटर और तारा के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम था एंड मून वाज आल्सो नॉट कमिटेड टू तारा। सो कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है इनको। तो आद्रा में शिव जी का नक्षत्र है ये। ठीक है, जहां से ये डिग्रीज लाई करती हैं वो है 6 डिग्री 40 मिनट चालीस से 20 डिग्री तक लाई करता है। अब इसमें ध्यान से देखो कौन कौन से नक्षत्र आ गए 11th हाउस में। पहला नक्षत्र आया अश्विनी का, ठीक है, और फिर दूसरा आया किसका? भरणी का, भरणी का। भरणी का। सो दो नक्षत्र आ रहे हैं, ठीक है, अश्विनी और भरणी दो प्रोमिनेंट है। तो अभी ये बताओ कि स्मेल वाला पार्ट ज्यादा प्रेफरेबल, लाइक ना, क्योंकि अश्विनी वाले में रहेगा। अश्विनी वाले में रहेगा। हाँ, मुद्दा क्वेश्चन समझ गया। ठीक अश्विनी तो हम भूल नहीं सकते, नोज से रिलेटेड वाली चीज। है, हाँ। सो इसीलिए यहाँ पे डॉग्स हैं, आद्रा में डॉग्स का इम्पोर्टेंस है, और डॉग का इम्पोर्टेंस इस तरह से भी है क्योंकि अगर तुम इवन नक्षत्र को ऑन इन स्काई देखोगे ना तो भी तुमको वो
डॉग के साथ में मिलेगा। एक बहुत प्रोमिनेंट स्टार है जो नेचुरली बहुत दिखता है, वो है सीरियस। सीरियस का एक स्टार है और वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने उसमें देखा था भरनी में, उसमें भी डॉग्स का बारे में बातें थी और यहाँ पे भी डॉग्स के रिलेटेड चीजें हैं। फुल स्क्रीन में नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही काम चलाओ। ओरायन, ओरायन पता है दूसरे उसमें भी बहुत सारा इसका एम्ब्रॉयडर्ड वो है, ग्रीक माइथोलॉजी में स्पेशली वहां पे इसके बारे में चर्चाएं हुई हैं। और वहां पे बोलते हैं कि ओरायन एक फाइटर है, फाइटर फाइट करते हुए इसको स्कॉर्पियन डस लेता है, एंड दैट्स अ सिंबोलॉजी कि ओरायन 3 नंबर और स्कॉर्पियो 8 नंबर, दोनों में 180 डिग्री का रिलेशनशिप है, अपोजिट, ठीक है, उस वहां पे इतने बोला है। तो नक्षत्र पदार्थ जोडियाक रेंज बता दिया मैंने। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन काम का है, डिजायर, पैशन। आयुर्वेदिक दोष, दोष में ऑब्वियसली एरी साइन है, वात का आएगा। गन मनुष्य दिया गया है, मनुष्य गन ये मैरिज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओरिएंटेशन क्या है? ऊर्ध्व मुखा, ऊर्ध्व मुखा यानी कि फेसिंग अप, अगेन अपवर्ड्स। फेसिंग अप, ठीक है। और क्वालिटी कैसी है? तीक्ष्ण, शार्प, तीक्ष्ण क्वालिटी है। कास्ट जो है बुचर का कास्ट दिया गया है। गुण जो है तमस है प्रोमिनेंटली, बट रजस, तमस, सत्व, तीनों का क्वालिटी थोड़ा थोड़ा आता है। शक्ति क्या है? यत्न शक्ति, पावर टू मेक एफर्ट एंड अचीव, टू गेन इन लाइफ थ्रू एफर्ट, दैट इज व्हाट द शक्ति मीन्स, यत्न शक्ति। सिंबलिज्म है फीमेल डॉग का। बॉडी पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो आईज एंड द बैक इन द फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है। एक्टिविटी बैलेंस्ड है। वाटर एलिमेंट जो है वो वाटर का है। डायरेक्शन जो है वेस्ट को डिनोट करता है। कलर में ये ग्रीन है और साउंड जो है कू गा इंग चा, कू गा इंग चा ये रिप्रेजेंट करता है। रुद्र, तो तुम्हें जो ऐसे नाम मिले ना जैसे कि जिनके स्टार्टिंग साउंड र ऐसे आए, र करके उनके ऋतिक, नाम, जैसे ऋतिक। ऋतिक, ऋतिक बिल्कुल, ऋतिक का है जिसमें आर के साथ र आए, ऐसा आर पीछे के साथ मतलब गाड़ी चल रही है वैसे। ये ना जान लो कि लगन पे या तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है या तो राहु बैठा हुआ है, ठीक है, तभी ये नाम मिलता है। और इस नाम का अर्थ यही है कि ये व्यक्ति बहुत यूनिक है, यूनिक इन पर्सनालिटी है, वो वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है ये व्यक्ति, ठीक है। दैट व्हाट इट मींस कि राहु लगन पे है। और इस ये नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, एंड राहु का नक्षत्र उसको वैसे भी मैंने कहा था कभी प्लैनेट से नक्षत्र को जोड़ने की कोशिश मत करना, उल्टा मुंह के गिरोगे। ओरिएंटेशन क्लास में पहला यही चीज समझाया था मैंने, देवता से ही जोड़ना है। शिव का नक्षत्र है ये, ठीक है, रुद्र का नक्षत्र है, ठीक है। मोटिवेशन हमने देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। तो रुद्र का मतलब होता है रुदन, टू क्राई, ठीक है, टू शेड टीयर्स, टू क्राई, टू हाउल, ठीक है। इसका मीनिंग बोल रहे हैं कि द मॉइस्ट वन, द वेट, डैम, द फ्रेश ऑल्सो, बट ये यहां से नहीं है, मतलब ये रुद्र इतना आसान से समझने वालों में से नहीं है। जो मैं कई देखा, कई लोगों को समझने की कोशिश करी, बट ये की पॉइंट्स है नहीं। आद्रा को स्टार ऑफ ऑपरेशन एंड स्टार ऑफ सौरव भी बोला, स्टार ऑफ ऑपरेशन भी नहीं है ये, ना स्टार ऑफ सौरव है, मतलब मैं यहां पे जो मैं निगेट करता हूं इन लोग को, ये है नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि दूसरे नक्षत्र की वजह से हो, दूसरे नक्षत्र क्वालिटी आ जाए इसके अंदर में। और वो कौन सा नक्षत्र है? वो नक्षत्र है भरनी का, दैट इज स्टार ऑफ ऑपरेशन, दैट इज स्टार ऑफ सौरभ। और वो भरनी का 11th हाउस में होने की वजह से है, ना कि आद्रा के एज अ खुद की क्वालिटी की वजह से है, ठीक है।
तो भरनी यहाँ पे 11th का मिलने का अर्थ यही है कि जितनी भी बातें थी यम से रिलेटेड वो सारी बातें तुमको यहाँ पे प्रोमिनेंस देखते हुए मिलेंगे। इसीलिए भरनी यमराज का है, भैरव का भी नक्षत्र यम भरनी ही है। तो अगर वो भरनी भैरव है तो ये काल भैरव है, शिव, ठीक है। ही इज मोर पावरफुल देन भरनी, बिकमिंग लॉर्ड ऑफ द दिस पावर, पावर ऑफ डेथ, ठीक है। इसीलिए तुम देखो कि शिव जी की जो शक्ति, बोला कि ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु लाइक ना पालन करते हैं, या शिव की शक्ति क्या है, शिव इज द डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्शन का कारक है। टू गिव अ कंक्लूसिव एंड, दैट इज व्हाट भरनी इज, टू ब्रिंग टू अ कंक्लूसिव एंड, ये उनकी पावर है, ये शक्ति है। सौरो ऑपरेशन ये नहीं है, इज टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूसिव एंड, चीजों को खत्म करने में या चीजों को उससे बाहर निकालने में ये पावर है आद्रा की। सिग्निफिकेशन ऑफ डॉग सीरियस, ये एक कॉन्स्टेलेशन है, सीरियस स्टार उसका बहुत फेमस है, वो उसका डॉग का बोला। डॉग का कॉन्स्टेलेशन तुम देखोगे तो डॉग वाली जितनी चीजें हैं, डॉग से अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? अरे यार पीपीटी चेंज हो गया, लगता सेव नहीं किया था ना, चीजें मिस हो रही हैं। ठीक है, डॉग से ये क्या है कि शिव ना, शिव को एज अ उनके लिए हेल्प करने का बोला जो खुद का हेल्प नहीं कर सकते, उनके शिव हैं, ठीक है। सो यानी कि शिव, इसीलिए शिव को बोला पशुपतिनाथ, जो पशुओं के देवता है। इसलिए जो आद्रा का नक्षत्र है ना, उसमें ऐसे लोगों की मदद करना जो अपनी मदद स्वयं ना कर सके, वो बहुत प्रॉमिनेंट फीचर है, ठीक है। पर्पस होना इनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो एनिमल रेस्क्यू के लिए काम करें, वो तुमको आद्रा में मिलेंगे, ठीक है। आद्रा का ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि वो हमेशा, तुम देखोगे उनके साथ कोई ना कोई एक पेट एनिमल उनको सुकून देने के लिए वो अपने साथ में जरूर रखते हैं, या फिर ऐसे जगह पे ऐसी चीजें करते हैं जो जो काम करते हैं जो शायद कोई ना करे, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, जहां पे कोई ध्यान नहीं दे रहा ना, वो वहां पे आद्रा है। तुम शिव जी को देखो, शिव जी कैसे एक उस जगह स्थान पे बैठे हुए हैं जहां पे लाइक ना नर क्या, कोई भी मनुष्य वहां जाना नहीं चाहेगा, कैलाश पे, बर्फ पे, ठीक है, एक ऐसे स्थान पे रहना, ठीक है, वहां पे अपने गणों के साथ में। उनके गण कैसे हैं, डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट गण है। तो तुम आद्रा के फ्रेंड्स देख लो, तुम इनके गुट देख लो, इनके गुट ही अलग है बिल्कुल। माँ बाप सर पीट लेते हैं कि इनके दोस्त कहाँ से लाते, कहाँ हो ये, मिलते कहाँ ऐसे दोस्त, इनकी दोस्ती भी ऐसी है लोगों से। दैट्स द फीचर ऑफ आद्रा, बिल्कुल यूनिक दोस्त, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब प्रोफेशन में तो अलग ही है। तो दैट इज द फीचर ऑफ आद्रा। आद्रा जिधर बैठा है, जहां पे भी आपका आद्रा है, वो बहुत यूनिक होने वाला है। किसी का मैंने देखा था, हाँ एक दिन संध्या जी का फोन आया ना, संध्या जी वॉज टेलिंग मी समथिंग कि मैं किसी राइटर के पास गई, और दिस गाय लिज आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर, ठीक है, और उसने पूरा अपना सोलर पैनल वाला लगा रखा है, एंड ही लेकिन कुछ भी वेस्ट नहीं करता है, एंड ही लेकिन बिल्कुल वो लेकिन एकदम एकदम कह लो कि कटी हुई लाइफ जीता है। मैंने कहा कि ये तो आद्रा है, एंड शी सेड कि मैं उसका चार्ट लेके आई हूँ, रुक जाओ देखता हूँ, देखती हूँ।
When we opened the chart, Jupiter in sitting in Adra in 10th house, only planet sitting in Adra in 10th house. He was fourth lord and this fourth lord tha na, हाँ वर्गो होगा तभी 10th हाउस में आद्रा आएगा एंड फोर्थ लॉर्ड होकर के आएगा। तो उसने घर कहाँ लिया है, एकदम वीराने में। कहाँ रह रहा है, एकदम वीराने में। क्या काम करता है, एजुकेशन कंटेंट दिखता है, ठीक है। लाइफ में मिनिमल चीजें चाहिए उसको, मिनिमलिस्टिक जो एक जो टर्म है ना, ये जो तुम देखते हो कुछ विचारधाराएं फैली जाती है मिनिमलिस्टिक, कम से कम वेस्ट करना, दैट इज आद्रा। जो भी तुमको मतलब संसार से विचित्र दिख जाए ना, समझ लो यही आद्रा है। जिनकी सोचने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट, विसल ब्लोअर विल बी आद्रा, ठीक है। तो इसलिए ये लोग जो लाइक ना अघोरी हुए, जो शमशान में बैठे, या जो हिप्पी हुए, जिन्होंने ऐसी विचारधारा को अपना वो स्लोगन बनाया जो कि बिल्कुल विचित्र, जो जो समाज में नहीं है। आद्रा एक्चुअली समाज में नहीं रह सकता। आद्रा का क्वालिटी पाने के लिए समाज से बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें दूर, तुम्हें एकांत में, जंगल वाले इलाकों में कुत्ते बछड़ों के साथ में बिताना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आद्रा प्रोमिनेंस गेन करेगा। तुम सोचो कि तुम मेट्रो की लाइफ में रह लो और तुम आद्रा से काम निकाल लो, आद्रा काम नहीं करने वाला। आद्रा को स्पेस चाहिए, आद्रा को, आद्रा 24/7 एक अलग धुन में रहता है। अलग धुन इन द सेंस कि स्मोकिंग, कोई ना कोई प्रकार का नशा, या ये तो वो करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर से कुछ बहुत अजीब सा उठता है तो उसको कंट्रोल नहीं होता है। तो वो अपने आप को ऐसी चीजों में इंडल्ज करता है जहां पे वो अपने से दूर भागे, अपने से दूर भागता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऐसी सोसाइटीज हुई ना जो अघोरियों की है, अघोरी का सोसाइटी ऐसा है कि बोलते हैं कि मैं शिवलिंग पे पेशाब करूंगा, वही मेरा समर्पण है, क्योंकि वही मेरा है। उनका कहना है कि यही तो मेरा है, बाकी सब तो जो मैं जो भी करूंगा वो शिव का है। जब वो सब कुछ शिव का है तो उसको अर्पण ही क्या करूं, इसलिए बोले पेशाब मेरा है तो मैं पेशाब करता हूं, मैं पेशाब अर्पण करता हूं। अघोरी की विचारधारा है बिल्कुल विचित्र, मतलब जो समाज, मतलब जिससे भाग जाए ना वैसे काम करना, या समाज से जो निकाल दिए जाए वो भी आद्रा है। कौन है समाज से निकाले हुए? चोर, डकैत, नहीं, ये समाज से निकाले हुए नहीं है। Whoever breaks the belief system, जो normal rules को follow नहीं करते, फिर भी वो निकाले नहीं हुए, समाज उनको रखता है, मतलब बोलता है यार पागल आदमी है, ऐसा बोल के रखते हैं, फिर भी रखते हैं। कोई एक है तो जो समाज से निकाला हुआ है, बताता हूं मैं। जब ब्रह्मा ने रुद्र को बनाया तो रुद्र को बनाने का पर्पस बहुत डिफरेंट था उस टाइम ड्यूरेशन में, बट उस टाइम पे जब रुद्र बने हैं तो वो अर्ध नारीश्वर के रूप में ही बने थे, वो आधे मेल और आधे फीमेल थे, इसलिए किन्नर आद्रा है। अरे यार, मतलब मेरा भी आद्रा ही चल रहा है फिर पिछले हफ्ते जब से आपने बात की। मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है किन्नर के साथ मेरा, कि कैसे हुआ है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक्टिवेटेड है, मैं एक्टिवेशन से देख रही थी कि कहीं मतलब फिट इन नहीं हो रहा वो इंसिडेंट। बहुत ही मतलब सरियल एक्सपीरियंस था। क्या हुआ था? मैं परसों ना आई वाज सपोज्ड टू मीट अ फ्रेंड, मैं ड्राइव कर रही थी और उस दिन सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे ऐसे वो हो रहा था कि मैंने किसी किन्नर से इंटरेक्शन होगी, ऐसे ही लग रहा था। देन आई हैड अ प्लान टू ड्राइव टू मीट अ फ्रेंड और मैं रास्ते में जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे तब भी लगा ऐसे वो विजन आ रहा था कि आई एम टॉकिंग टू अ किन्नर। रेड लाइट पे एक किन्नर ने, मतलब मैं वेट ही कर रही थी तो वो आई कुछ मांगने, तो लाइक चलो मिली गए, तो आई टुक आउट अ 200 रुपी नोट एंड आई गिव इट टू हर एंड आई सेड हैप्पी न्यू ईयर। देन शी स्टूड देयर, ठीक है, वो 1.5 मिनट 2 मिनट की रेड लाइट थी और उन्होंने मुझसे बात की है इतने अच्छे से
एंड देन वो होता है ना, देर आस्किंग फॉर मोर मनी, वो मांग ही रहे थे, तो ऐसे चलो कोई बात नहीं, आई हैड अनदर 500 रुपी नोट, आई गिव इट टू हर. ठीक है, देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, शी सेड आपका नाम क्या है. उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने उनसे उनका नाम पूछा, तो उनका नाम मुस्कान था. लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया ना, शी सेड ये आपका नाम नहीं है. तो ऐसे नाम मेरा ही नाम है, ये मेरा नाम, मतलब यही है मेरा नाम, मैं नाम गलत क्यों बताऊंगी, बात कर रही हूँ आपसे. एंड देन शी सेड नहीं, ये नाम नहीं है आपका. तो आई सेड यही नाम है भाई मेरा. एंड देन आई आस्क्ड हर, आई वाज लाइक क्या मतलब आप, शी सेड आपका कुछ और नाम है क्या, आपको घर पे कुछ और बुलाते हैं. तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हाँ ये घर पे ये बुलाते हैं मुझे. देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड शी टुक आउट अ 2 रुपी कॉइन एंड शी गेव इट टू मी एंड शी टुक आउट अ 10 रुपी नोट एंड गेव इट टू मी. और 10 रुपए शी सेड कि ये 10 रुपए का ना वो मतलब वो अपना मंत्र वंत्र जो भी मतलब व्हाटएवर दे डू, वो कूदते उठते हैं पढ़ते हैं और जो भी है, वो दुआएं दे रही थी. एंड देन शी सेड कि ये जो 10 रुपए है ना, इसका कबूतरों को दाना खिला देना, और ये जो 2 रुपए है ना, ये अपने वॉलेट में या अपने तिजोरी में रख लेना, और वो जो तुम्हारे काम जो अटक रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे. एंड एड्रेसिंग मी विद माय नेम, लाइक विद माय निकनेम. आई गेट रॉन्ग. एंड देन शी सेड कि अच्छा, लेकिन ना 700 रुपए किसी को देते नहीं है एज डोनेशन, तो इट नीड्स टू बी अ डिफरेंट नंबर. अब आई डिडंट हैव एनी मोर कैश, सो आई टोल्ड हर कि मैं आपको बाद में दे दूंगी. शी सेड प्रॉमिस. तो आई लुक्ड एट हर, आई सेड हाँ प्रॉमिस, पक्का दे दूंगी. ठीक है. एंड आई सेड, आई लाइक हाँ ठीक है. अभी उन्होंने शी सेड इट, मतलब शी डिडंट गो एंड आस्क anybody else for money, क्योंकि इनका normally the routine is that you go and ask for from various people. There for 2.5 minutes, spoke to me, जैसे मतलब ऐसे, और ऐसा interaction था जैसे दोस्तों के बीच में होता है. And then she said कि पता है लोग हमसे ढंग से नजर भी नहीं मिलाते हैं, आप इतने आराम से बात कैसे कर रहे हो. तो ऐसे पता नहीं, मैं randomly ऐसे ही बात कर रही हूँ. And मतलब उसने इतना amazing interaction था, and for some reason she kept pinpointing सर्टन थिंग्स, जो ऐसा लग रहा था कि भाई एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन चल रहा है क्या, इसको कैसे नाम ये नहीं है, फिर इन्हें कैसे. देन शी सेड कि आप अपना काम करते हो, कहीं अटक रहा है कुछ काम. लुकिंग एट हर, मतलब हाँ अटक तो रहा है, तो मैं क्या बताऊं ना ऐसे उसमें. तो शी जस्ट केप्ट सेइंग दीस थिंग्स, देन शी गिव मी दीस कॉइंस एंड एवरीथिंग. शी टोल्ड मी कि आज ना शिव जी के मंदिर जरूर चले जाना. जब लाइट ग्रीन हो रही थी मैं जा रही थी, इनसे सर और देख लो मैं कल वेट करूंगी. ठीक है, प्रॉमिस किया है सर, हाँ पक्का प्रॉमिस, आई विल कम बैक. ठीक है, अब नाउ आई हैव टू गो एंड गिव हर द रिमेनिंग मनी. बट दिस, और मैं देख रही थी कि चलो जेमिनी और वो स्कॉर्पियो एक्टिवेटेड है, तो पक्षियों को दाना डालना है, बट इतना वो कैसे हो सकता है किन्नर के साथ कि यू नो विजन की इंटरेक्शन होगा. एंड शी वृक्षरा खत्म होते ही ना वो आद्रा चालू हो गया था. हाँ, एक नाम भी देखिए, आपका मून है ना आर्द्रा में, तो नाम भी मुस्कान था. हाँ, मुस्कान. करेक्ट. और एक्चुअली ये सब होने से पहले एक हफ्ते से ना वो हो रहा है, वो जो आर्द्रा वाला वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है ना, और ये अपनी फ्रेंड को लेके हो रहा है मृक्षिरा वाली स्टोरी पे, क्योंकि मैं इतने गुस्से में घूम रही हूँ कि मतलब शुड आई टॉक टू हर, शुड आई नॉट टॉक टू हर, आई वॉज इन दैट डायलेमा. तो वो आर्द्रा तो चल ही रहा है, इरिटेशन और मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग. बट ये बड़ा ही स्ट्रेंज वो था. एंड देन आई टोल्ड समबडी, तो उन्होंने भी ये बोला कि किन्नर ना नॉर्मली किसी को पैसे देते नहीं है वापस. वो इफ समबडी डज दैट, इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू. और ये एपिसोड मेरे साथ आई थिंक 1.5 साल पहले हुआ था, एंड मॉम मेरे साथ कार में थी, एंड शी टोल्ड मी, अरे यार पैसे लेते थोड़ी इनसे, वापस करो वापस करो. तो शी मेड मी रिटर्न दैट मनी. And then somebody told us कि नहीं ये तो रखने होते हैं, वो you know they give it with a lot of blessing and they don't give it to everybody. I kept telling my mom कि यार आपने तो नुकसान करा दिया फिर ये. अब वो कल परसों जाके ये वाली चीज हुई है. And I kept thinking कि कहीं fit नहीं हो रहा. Now that you've told me आर्द्रा में fit हो रहा है. वो आर्द्रा है, आर्द्रनारेश्वर का रूप है वो. यही तो अर्थ है ना, जब पढ़ाया जाता है कि राहु जहां बैठता है वहां कुछ अनयूजुअल देता है, तो 11th हाउस में भी जो बैठ जाए वो अनयूजुअल हो जाएगा. और जब 11th हाउस में भरनी बैठता है, भरनी दैट इज द कारक ऑफ योनि, तो फिर वो सेक्सुअलिटी के लेवल पे अलग से देता है. इसीलिए आद्रा का अंदर एक अलग सेक्सुअलिटी वाला बात भी आता है. दैट इज व्हाई वी से किन्नर आर्द्रा है, आर्द्रनारेश्वर का रूप है, हाफ फीमेल हाफ मेल. उन्हें कोई समाज से लेना देना है?
वो उन्हें कोई समझ से लेना नहीं, दैट इज हाउ आद्रा इज, ठीक है, बिल्कुल अलग। ट्रैवलर्स को डिनोट करता है आद्रा, जो ना जगह जगह घूमते रहे, जिनका घर नहीं है, ठीक है, बंजारा जिसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बंजारा हो जाना, ठीक है, घर ना बनाना, ऐसी मेंटालिटी भी रखना और घूमते ही रहना। कई लाइक ना यूट्यूब ब्लॉगर्स व्लॉगर्स और ये सब जो होते हैं ना, तुमको उनमें आद्रा प्रोमिनेंट मिलेगा। कुछ तो है जो भीतर ऐसा घट रहा है जिसकी खोज में वो बाहर भाग रहे हैं, ठीक है, कुछ तो है, और ये घट शरीर में रहा है, शरीर के अंदर कुछ ऐसा घट रहा है, कुछ ऐसा है जो कहता है सब कुछ तबाह कर दो, सब कुछ मिटा दो, कुछ भी ना बचे, सब साफ कर दो, उभरने वाला क्वालिटीज की ना। तो जो हाँ एलजीबीटी कम्युनिटी है वो भी हाँ इसके अंदर आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, यहीं पे वो सारी कम्युनिटीज आती हैं, जिनकी जिनका 11th हाउस में भरनी है, या फिर रूल मतलब इसे ही भरनी में राहु हो ना तब भी तो कोई चीज देखने को मिलेगी, भरनी में राहु होना। आप पता है, आप किसी का चार्ट दिखा रहे थे, आई थिंक अल्जाइमर्स का केस में दिखा रहे थे, आई थिंक भरनी के उसमें, उसमें भरनी में राहु भी था, आई वॉज लुकिंग एट इट, सैटर्न लगन पे चार्ट था, वो किसका था जिसने अल्जाइमर्स की खोज की थी, एलजी कुछ करके नाम था उसका ना। I can't remember the name हाँ right now. मैं भी नहीं भूल गया हूँ, बट उसका भरनी में राहु था, ठीक है। सो या तो होल कॉन्सेप्ट इज कि आद्रा में भरनी का प्रोमिनेंस इतना ज्यादा है, इस वजह से कुछ ऐसी हो चीजें हो रही हैं कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है, ठीक है। तो रिस्ट्रेंड करना, अपने आप को बांधना, जकड़ना, वो भी आद्रा में है। अपने को बांधना जकड़ना मतलब कि शिव, जितने योग का जो सूत्र है ना वो भी शिव से आया है, और तुम देखो कि इन्हीं को तो ज्ञान है एक्चुअली में फिजिकल लेवल पे होना, कि कैसे बॉडी को मेंटेन किया जाए, वो ज्ञान पाना जो शरीर से, योग का ज्ञान पाना, ध्यान का ज्ञान पाना। अब योग और ध्यान तो एक्चुअली में दोनों ही नक्षत्र में नहीं है, ना भरणी में योग है, ना भरणी में ध्यान है, और ना आद्रा में ध्यान है, ना आद्रा में योग है। हाँ शरीर का समझ में आता है कि लेकिन ना एरीज जो है ना वो शरीर है, लेकिन शरीर में ध्यान नहीं है, ध्यान एक्चुअली उससे भी 11th में जाता है, यानी कि भरनी से 11th में क्या जाएगा, वो जाएगा शतभिषा, शतभिषा ध्यान है ध्यान, लेकिन ध्यान की परिकाष्ठा आद्रा है जाता है, मतलब 9th की जो जर्नी है ना वो लगन में आके कंप्लीट होती है, तो इसीलिए जो पावर है ना 9th, इसीलिए बोला 9th भाग्य है, क्योंकि वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा लगन स्ट्रांग होता जाएगा, इसलिए शतभिषा से जो सफर सफर शुरू होता है ना वो भरनी में एक स्टेप लेता है, जहां पे योग आता है, रिस्ट्रेंट आता है, नियम आते हैं, ठीक है, लेकिन जर्नी कंप्लीटेड नहीं है। जर्नी कंप्लीट तब होती है ना जब भीतर का शिव और शक्ति दोनों मिल जाएं, तुम आद्रा बन जाओ, तब ना मेल का पहचान रहे हो ना फीमेल का, ना तुम्हारे अंदर फिर ना फेमिना मतलब फेमिना और मैस्कुलिनिटी दोनों बराबर हिस्से में चलने लग जाए। जनरली ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मली आइदर यू आर फेमिनाइन ओनली और आइदर यू आर मैस्कुलिन ओनली, बट आद्रा के अंदर फेमिनाइन क्वालिटी और मैस्कुलिन क्वालिटी दोनों आ जाती है, इसीलिए ये योग का चरम है, और इसीलिए ये शिव का नक्षत्र बोला गया, आदि योगी बन जाना। योग तो एक बार फिर भी भरनी में है, ठीक है, भरनी में योग है समझ में आता है, लेकिन आदि योग को पाना, समाधि की स्टेट पाना, जो वो स्टेट पे पहुंचना जहां पे कॉन्शियसनेस एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है, वो स्टेट आद्रा में आती है। इसीलिए जितने भी योगी हुए वो समाज से बाहर गए, दूर गए, वो पहाड़ों में गए, एकांत में गए,
अकेले रहने में गए समाज से दूर. दैट इज हाउ भरनी अदरवाइज. ठीक है. सो जो भी आद्रा व्यक्ति नेटिव होता है उनकी पहली क्वालिटीज है कि भाई बहुत विचित्र, यूनिक. आपको चाहिए वो यूनिकनेस, आपको दिखाना है, हट करके रहना है. तो बहुत सारे लोग जो शरीर में पूरे टैटू ही टैटू करा लें वो भी आद्रा. ठीक है, कि उनको शरीर के पूरी भस्म, जैसे ये देखो ना मुर्दा की भस्म लगाते हैं, डेथ हो गया है जिसका, उसका वो लगा रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, जटाए बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं. दैट्स अ रूप फॉर आद्रा, यूनिक बनना, डिफरेंट बनना, उस तरह से चीजें करना. दैट इज आद्रा. और ये सेल्फ प्लेजर के लिए. एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके ना पोस्ट पिछले जब से मरीक्षरा खत्म किया था ना उसके बाद से देखे ही जा रहा हूँ, उसके कंटेंट्स देखे ही जा रहा हूँ. एंड दैट इज अ कंटेंट ऑफ पीपल्स फार्म. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड इट. फेसबुक बंद हो गया है. दिस गाइस स्टोरी रिजेंबल्स अलॉट विथ व्हाट इज. तुम देखना एक बार इस पे, है ना, वीडियो खोल करके इसका देखना, पीपल्स फार्म. This guy was a very successful as a coding करने में, है ना, ये सब करने में इसको बहुत interest था. Coding is actually represented done in this Adra. जितनी भी technological चीज़ें ना वो Adra में आती हैं फिलहाल. लेकिन इसकी story सुनो. This guy is a founder of People's Farm. It's a non-profit organization जो कि गाय, कुत्तों, बछड़ों, हर प्रकार के एनिमल रेस्क्यू के लिए काम करते हैं. दैट्स अ परफेक्ट आद्रा. ही लिव्स इन समवेयर इन हिमाचल, नॉट हिमाचल, उत्तराखंड रीजन. हिमाचल या उत्तराखंड, आई डोंट रिमेम्बर. हाँ हिमाचल आई थिंक, या हिमाचल. सो ओवर देयर ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिज ओन फार्म. ही वाज वर्किंग इन USA इन अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी, बट एज अ प्रोग्रामर, लीड प्रोग्रामर. काम भी अपनी मर्जी से करता था, सारे कुछ ठीक था. लेकिन ये इसका स्टोरी ये बोला कि मैं फिर भी खुश नहीं रहता था. सब कुछ होते हुए भी खुश ना रहना, कुछ तो भीतर से होते रहना कि यार कुछ कमी है, कहीं कुछ वो है. वो ऐसा महसूस होते हुए इसने ये आया, इंडिया आया, इंडिया ट्रैवल करना चालू किया. इंडिया ट्रैवल करते करते ये पांडिचेरी गया. पांडिचेरी में, पांडिचेरी इज अनदर, देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड ऑरोविल, जहां पे अगेन एक आद्रा कम्युनिटी सेटअप है. आद्रा कम्युनिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं कमाता है, यहाँ पे कोई करेंसी नहीं चलती है, यहाँ पे बस एक्सचेंज बार्टर सिस्टम चलता है. आप कुछ काम करते हो, आप वो सपोर्ट करो दूसरे वाला व्यक्ति. तो वहाँ पे ये एक ऐसी वृद्ध अमेरिकन या फिर कह लो कि कोई रशियन व्यक्ति से मिला, लेडी से मिला, जो कि कुत्तों को फीड करती थी. और इस बंदे को उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि यार अगर इस लेडी के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अगर इस तरह से फीड कर सकती है, खाना पहुंचा सकती है पूरे सोसाइटी, पूरे एरिया के कुत्तों के लिए, तो वो सोचो मेरे पास तो बहुत कुछ है करने को, मैं कितने को कितना चीजें कर सकता हूँ. फिर तो उस दिन इसके जीवन में परिवर्तन आ गया. उस दिन इसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, एक महीने बाद मैं आता हूँ, उस लेडी से कहा और कहा कि मैं आपको, मैं आपकी मदद करूंगा इसी काम के लिए. देन ही पैक्ड अप हिज होल जॉब, वाइफ को भी मना लिया, एंड केम बैक टू इंडिया. इंडिया में आने के बाद ही हैज ओपनड हिज ओन पीपल्स फार्म करके एक जगह है. एंड यू विल लुक ना कि इसने, अब ये मिट्टी के घर में रहता है, ठीक है, बांस मिट्टी और यही सब का घर बनाया है, बिल्कुल नेचुरल, कोई उसमें सीमेंट ईंटा पत्थर नहीं है, बिल्कुल मिट्टी से बनाया, खुद बनाया है, ठीक है. खुद का फार्म है, फार्म में सारे पेड़ पौधे अपने से लगाया, गायों का रेस्क्यू करता है, कुत्तों का रेस्क्यू करता है. स्टार्ट डॉग से किया, उनको फीड करना, उनकी टेक केयर करना. डॉक्टर नहीं है, वेटनियन वेट नहीं है, लोगों को हायर कर लिया, चीज़ें कर लिया. एंड नाउ ही डूज एज अ फुल टाइम. खुद वीगन है एंड ही प्रमोट्स वीगनिज्म.
कि दो गायों को हार्म होता है दूध दही और इन सब की वजह से, तो ही प्रमोट्स वीगनिज्म एज अ डेली जॉब। और स्टोरी है, और स्टोरी ऐसी भी है कि सिस्टर डाइड, बहन ने सुसाइड किया था इसके, एंड मदर एंड फादर घर पे काफी डिस्प्यूट्स होता था, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड ऑल दोस, वो सारा इसका चाइल्डहुड का वो सारा चीज था। और मैं बहुत सारा मतलब इसका कंटेंट देख रहा हूँ कि ही पूरा जैसे व्लॉग होते हैं ना, आदमी लोग शेयर करते हैं कि वो दिन में क्या किया, तो ये लोग यही काम करते हैं कि वो कैसे किसी को रेस्क्यू किए, किस हालात में थे, ठीक है। वो सबके नाम, गाय गाय कुत्तों के नाम भी देते हैं, जामुन इसका नाम है, इसका नाम यशोदा है, इसका नाम वो, बहुत से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं इसका कॉन्टिनेंस देखे ही जा रहा था, तो मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि अरे अरे ये तो आदरा है, तभी आदरा हो गया एक्टिव, मतलब अपना, इसी वजह से मैं देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। एनिमल रेस्क्यू आर्द्रा में आएगा? एनिमल रेस्क्यू आद्रा में आएगा, इन्वायरमेंटलिस्ट आद्रा में आएंगे, वेदर फोरकास्ट करने वाले आद्रा में आएंगे, मीटेरोलॉजिस्ट आद्रा में आएंगे। भाई कितना ज्यादा मेरा एक्टिवेट करा रखा है, पहले ये बताओ मुझे। आउट आउट ऑफ द ब्लू 2-3 days अगो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वाइल्ड लाइफ SOS, और उन्होंने लास्ट ईयर एक एलिफेंट को रेस्क्यू किया है, विच इज इंडिया स्किनिएस्ट एलिफेंट। न्यूज में भी था ये, ठीक है। एलिफेंट इज कॉल्ड लक्ष्मी, और वो ना वेडिंग के लिए यूज करते हैं ना एलिफेंट्स जैसे, उसके एंड देन दे यूज टू लाइक ऑब्वियसली अब्यूज करके और उसको माल नरिश मरने के लिए छोड़ दिया। सो दिस रेस्क्यूड वाह हर लास्ट ईयर। अभी दे कॉल्ड मी सेइंग कि हमें ना मतलब उसकी फंडिंग खत्म हो रही है उसके खाने पीने और दवाइयों के लिए, वुड यू बी कंट्रीब्यूट? तो सर ये आउट ऑफ द ब्लू किधर से आ रहा है मेरे पास? सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल कि भाई ये ऐसे काम करना जो बिल्कुल अलग डोमेन में है, जैसे कि दूसरा पॉइंट बोला गया आद्रा में, इट्स अ स्टॉर्म, नक्षत्र ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफान का, ठीक है। सो इसीलिए यहां पे देखो ये ऊर्ध्व मुख है ना, ऊर्ध्व मुख यानी कि लुकिंग अपवर्ड्स, लुकिंग अपवर्ड्स में कौन कौन लोग आते हैं? स्टॉर्म को एनालाइज करने वाले, वेदर फोरकास्ट करने वाले, मौसम विभाग की जानकारी रखने वाले, वैसे लोग स्टॉर्म उसमें आते हैं। ऐसे लोग जो बारिश होएंगी तो क्या होएगा, उसके सैटेलाइट को ऑब्जर्व करना, मीटियोर्स को देखना, एस्ट्रो फोटोग्राफी करना, एस्ट्रोनॉमी करना, मतलब ये सब समाज की चीजें नहीं है ना। लोग कहाँ, लोग तो मतलब लोग तो वही है, क्या देखे जा रहे हैं, अनुपमा ही देखे जा रहे हैं, है ना, उसके उसके रोने में उनका रोना हो रहा है, खाना नहीं बन रहा है, कसौटी जिंदगी की चल रही है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट मेंटेलिटी है यहाँ पे। यहाँ पे लोग कुछ भी खा रहे हैं, लाइक इसी का एक एग्जाम्पल था कि इसने क्या किया, इसने कुछ ने एक नॉर्मल मिल्क लिया और उसकी चाय बनाई और लोगों को पिला रहा है। व्लॉग है मतलब इसका, मुझे बड़ा यूनिक लगा, मैंने कहा ये यार ये बंदा बहुत सही है। और इसकी खासियत क्या थी, वो पिलाता था और बोलता था सर ये चाय पीजिए कैसी लगी आपको, हम लोग चॉकलेट मिल्क शेक ट्राई कर रहे हैं, इससे हमारी कंपनी है। नहीं, और उसको पिलाने के बाद बोलता है कि एक्चुअली ये डॉग मिल्क है, और सामने वाले का तो मुंह चेंज हो जाता है कि ये डॉग मिल्क पिला दिया मेरे को, क्या बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ऑलरेडी फिक्स पैटर्न बना रखे हैं ना, उनको तोड़ने की कोशिश करता है। जब फिर बोलता है कि डॉग मिल्क था, तो बोले कि क्या दिक्कत है, मतलब आप गोट मिल्क पीते हैं, काउ मिल्क पीते हैं, तो डॉग मिल्क भी सही। तो फिर लोग ना सोचने लग जाते हैं कि यार हम सही कर रहे थे कि नहीं। उस तरह से विचारधाराओं को चोट करना, सामाजिक बंधे हुए पैटर्न्स को तोड़ना, ये आदरा है, बंधे हुए पैटर्न्स को तोड़ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अलग अलग प्रकार से, लेकिन फिर कभी बॉक्स में बोला कि ये आप मीट ट्राई कीजिए, मतलब ये कुकी पता क्या लेके गया था, कुछ तो खाने का लेके गया था, लेके जाता है कहता है सर ये ट्राई कीजिए हमारा ये चिकन है ये वगैरह वगैरह, उनको खिलाता है, फिर कहता है बोला डॉग मीट है। अब उनकी हालत खराब, उनको उनके रिएक्शन बहुत तगड़े हैं, मतलब वो कि बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब उनको फिर लगता है ना, फिर उनको सोचने पर मजबूर करता है कि फिर दिक्कत क्या है, बोला आप मुर्गी का खाते हो, इसका खाते हो, तो उसको खाने में दिक्कत क्या है।
फिर वो सोचना शुरू करते हैं, फिर वो अपने क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आद्रा वो है ना जो तुम्हारी सेट पैटर्न्स को बिल्कुल सोचने में मजबूर कर दे कि जो तुम कर रहे हो कि नहीं कर सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तब फिर उनको बताता है कि नहीं नहीं मैं तो एनिमल रेस्क्यू वाला हूँ, ये कोई मीट वीट नहीं है, तो सोयाबीन का वो है बना हुआ, ये तो मीट भी नहीं है, हम तो ऐसे ही आपकी सेट पैटर्न्स को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली सोचे नहीं। और दे पीपल कन्फेस कि भाई वो खाते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, दे नो इट बट दे स्टिल ईट इट। एंड दैट्स हाउ जो मैंने बात बोली थी ना टॉरस में कि हमारी वो रूढ़ीवादी परंपराएं जो चली आ रही है ना, दैट इज सैटर्न नाइन्थ हाउस, कैप्रिकॉर्न के नाइन्थ हाउस में होने की वजह से जो जो सेट पैटर्न है ना जो खाए जा रहे हैं, सोचे नहीं, टॉरस में सोच नहीं रहे आप, दिल करता है, अच्छा लगता है, मृक्षरा वाला पार्ट है ना, अच्छा लगता है। वो पूछता है कि ये बताइए कि आपका जीवन मतलब मुर्गी को जीने का अधिकार है कि नहीं, बोले है, तो बोले फिर आपको चिकन खाना पसंद है कि नहीं, बोले है, तो बोले फिर तो ये एक दूसरे का विरोधाभास हुआ ना, फिर उनको भी लगा कि बात तो सही है, अपन तो अपन ही फंस गए कुछ भी बोलते हुए, तो बोले कि लेकिन मेरा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मेरा टेस्ट मतलब हम हाँ खाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम तो इसलिए खा रहे हैं कि इनकी अगर हम नहीं खाएंगे तो प्रजाति बढ़ जाएगी, पूरे ही इंडिया बढ़ जाएंगे, है ना, फिर वो सब वो तर्क देने की कोशिश करते हैं लेकिन तर्क काम नहीं करते ना आगरा के सामने, फिर ये तो धो के देता है फिर उनको। दैट्स हाउ आद्रा इज, आद्रा थिंक्स डिफरेंटली, डज इट डिफरेंटली, वो यूनिक वे में करेगा और वो लोगों के सेट पैटर्न्स को तोड़ता है, एंड दैट इज वेरी क्लोजली अटैच टू व्हाट आई सी इन ओशो। ओशो में बिल्कुल भिगो भिगो के जूता मारते थे, वो सारी परंपराओं को वैसे ही भिगो भिगो के देना जो सेट चली आ रही है उनको तोड़ना, एंड दैट इज व्हाई ही हैज गॉट जुपिटर एग्जॉल्टेड इन थर्ड हाउस, और वो थर्ड हाउस से आद्रा उनका बनता है, एग्जॉल्टेड जुपिटर इन थर्ड हाउस, उससे वो उनकी पैटर्न सेट पैटर्न्स को तोड़ते हैं, विचारधाराओं को तोड़ते हैं। जुपिटर आद्रा में होगा तो बिलीफ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है आपका, मतलब बिलीफ सिस्टम हो सकता है आपका कॉमन मिल गया दूसरी कम्युनिटी वाले लोगों के साथ में, लेकिन जहां पे आप हो ना वहां पे ऐसा नहीं है, आप जिस समाज में हो वहां पे ऐसी विचारधारा नहीं है, आप एक अलग विचारधारा से वहां पे लेकर के आते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी लिखना, आई हैव आल्सो प्लेज्ड टू डोनेट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू दिस पीपल्स फॉर्म, ताकि इनका काम आगे बढ़े, चीजें चले, बट इट्स अ गुड थिंग। बट इसके लिए आपको मतलब इसके लिए ना वही है, वो देखना होगा जो कोई नहीं देख रहा है, एंड दैट इज वेयर स्लाइड मेरी कुछ गड़बड़ा गई है ना, सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत सारी चीजें बनाई लेकिन आई थिंक सेव नहीं किया, एंड समथिंग हैपेंड टू द स्लाइड्स तो वो चला गया है, बट दैट इज वेयर ग्रेटा थनबर्ग्स का, अ लिटिल गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक ना वो गवर्नमेंट हिला रही है पूरी, छोटी सी बच्ची, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए। That's Adra. Adra is a whistleblower. Adra is वो ऐसी चीजों के बारे में सोच रही है जो जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। तो जो जिसने रॉबिन जो है नेटिव, वो जिसका भी पीपल्स फॉर्म लगता है रॉबिन नाम है उसका बंदे का, उसका वो स्कॉर्पियो लगना है, एंड दैट इज वाई उसका स्कॉर्पियो लगना है एनी प्लानट इन, आई नो इट बिकॉज आई हैव हर्ड द स्टोरी, स्कॉर्पियो लगना एनी प्लानट इन आद्रा, सम प्लानट इन आद्रा, मे प्रोमिनेंटली मार्स ही है, दैट इज वाई ही इज रेस्क्यूइंग एनिमल्स एंड ऑल, क्योंकि एक नंबर किधर जा रहा है, छठे घर में जा रहा है। बट ये चीज, यही चीज को समझते हो तुम दूसरे जगहों पर भी देख करके समझ सकते हो कि आद्रा जिधर प्लेस्ड है ना वहां से तुम देख सकते हो कि किसके लिए तुम करो, किस चीज के लिए तुम फाइट करो, किस चीज को के लिए एक नई विचारधारा दो, एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट लगाओ। इसीलिए जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, चाहे वो रेडियो का हुआ हो, चाहे वो
ऊपर जाने का हुआ हो, यानी कि स्पेसशिप स्पेस क्राफ्ट का हुआ हो, उनमें आद्रा प्रोमिनेंट मिलेगा तुम्हें। या फिर जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जब राहु आद्रा में था तो आई वॉज वॉचिंग इट फुल टाइम, लाइक ना पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो आई वॉज सीइंग लाइक ना दिस इसरो बहुत प्रोमिनेंट गेन किया उस टाइम पे आद्रा में। ये काफी बातें लोग, मतलब जितना लोग नहीं जानते थे इसरो को, उससे ज्यादा लोग जाने, उसका प्रोमिनेंस गेन हुआ। देन ग्रेटा थनबर्ग की बातें उसी टाइम पे चल रही थी, कंटिन्यूअसली वही एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें चल रही थी। ठीक है, वन है, उपवन है, और इसका गार्डिंग है, इसका गार्ड करना, इसका प्रोटेक्ट करना, दैट इज हाउ आद्रा इज। और ये बातें थी, स्पेस से रिलेटेड थी, मार्स पे जाने की बातें होती थी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, मतलब अलग ही है ना, मतलब इलॉन मस्क का देखो, तुम उसके चार्ट, तुम आद्रा फिक्स है, हो गई होगा। ऐसी बातें सोचना कि हम मार्स पे सभ्यता बनाएंगे, चीजें करेंगे, ये आदर ही सोच सकता है। निकोलस टेस्ला, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का इजाद किया आद्रा, गूगल के फाउंडर्स आद्रा, मतलब आद्रा के बिना जो आज के टाइम में जो तुम टेक्नोलॉजी देख रहे हो, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब संभव नहीं होता। ये जो कोडिंग है, ये सब जो है, ये अलग भाषा है ना, अलग समाज को समझ नहीं आती है उनको, उनको तो समझ नहीं आता ना कि कैसे आप 4 लाइन का कोड लिख सकते हो एंड यू कैन नाउ सी एवरीवन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत क्लोजली रिलेटेड है आद्रा। ठीक है, दैट इज वाई यू नीड टू हैव कुछ ऐसा सोचना, लाइक आइंस्टीन आद्रा, वो तरीके से सोचना, उस तरीके से बुद्धि लगाना जो कोई सोच नहीं पाए, दैट इज आद्रा। ठीक है, बहुत सारे प्रोमिनेंटली न्यू टेक्नोलॉजीज रिलेटेड जो चीजें कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स, ये सब सब में आदरा तुमको में एक कॉमन मिलेगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू सी भरनी एज अ बर्थ ऑफ राहु। भरनी इज अ स्टार इन विच राहु इज बॉर्न, वहीं से राहु का उद्गम होता है। और लेकिन वो उद्गम के बाद वो अवस्था एक ऐसी आती है जहां पर वो प्रोमिनेंटली वर्क करना शुरू करता है, दैट इज थर्ड हाउस, दैट इज आद्रा, यहां से शुरुआत होती है। तो 3-4 चीजें देख ली हमने, किनर देखा, लाइफस्टाइल देखा आद्रा का, रहन सहन देखा, ठीक है, लोगों को जाना, पर्सनालिटीज कैसी होती है, एनिमल रेस्क्यू, ये सब कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, आद्रा का जन्म जो होता है ना, वो रुदन से होता है, स्टार्टिंग ही हो रही है, जैसे ही वो रुदन, जैसे ब्रह्मा उनको पैदा करते, ही इज क्राइंग 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 एंड क्राइंग अलॉट, इतनी गर्जन है उनके रोने में कि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, दैट्स हाउ दे क्राई। एंड यू विल फाइंड लाइक ना, जिन भी बच्चों का स्ट्रांग लाइक आद्रा होता है, वो इतना चीख चीख के दहाड़े मार मार के रोते हैं ना, जो वो छोटे ही होते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, किस बात के लिए रो रहे हैं, वो गजब का रोना है उनका, और वो अननेसेसरी है, मतलब कोई इसमें नेसेसिटी नहीं है, वो बस रोते हैं, अलग लेवल पर रोते हैं। लाइक सुरुचि जी का जुपिटर है ना, तो इनका एक एक बच्चा है ऐसा आद्रा वाला। मेरा 5th हाउस में आर्द्रा पड़ता है एंड आई हैव जुपिटर एंड वीनस, सो माय सन इज नॉट लाइक दैट, बट व्हेन ही वाज बोर्न इट वाज अ वेरी मतलब वो टाइम ऐसा था कि बस हम रोते ही रहे, बिकॉज इट डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, लाइक ही वाज नॉट ब्रीदिंग और बहुत वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट दैट टाइम। तो मतलब चाइल्ड बर्थ इज अ हैप्पी टाइम फॉर एवरीवन, लेकिन हमारे परिवार के लिए वो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम है एंड लॉट ऑफ टीयर्स। तो रुद्र का
है रुदन से, रोने से, टीयर से, टीयर ग्लैंड से, टीयर ग्लैंड से साथ साथ स्वेट ग्लैंड, भरनी, स्वेट ग्लैंड। तुम देखो कि जो भी बाहर निकालने के लिए चीजें हैं, सिक्रीशन का काम है, आंख से सिक्रीशन होता है, दैट इज आंसू इन द फॉर्म ऑफ आंसू, शरीर से होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, एंड देन यू हैव सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो वो मार्ग है ना, वो मार्ग है वो बाहर निकालने के लिए, उस सिक्रीट करने के लिए, उसको बाहर फेंकने के लिए। देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ओशो का एक बहुत अच्छा लेक्चर है जो सिर्फ रोने में, लाइक ना ही हैज टॉक्ड अबाउट दिस क्राइंग ओनली, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब मैं कभी किसी को सुना नहीं कि लगता इस पे कोई बात करता। एंड ही हैज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली, उनसे कोई सवाल पूछता है कि भगवान आपसे लिखना बात, आपकी बातें सुन करके बस मुझे रोना आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ओशो उसको बोल रहे हैं कि लिखना रोना आना तो अच्छी बात है, क्योंकि रोना जब शब्द कम पड़ जाए, मृक्षरा शब्द है, शब्द उसका अर्थ निकालना मृक्षरा है, अर्थ तो वैसे सेजिटेरियस में बन जाता है, बट द ऑल द वेरी फेज ऑफ ड्राइंग एंड ऑल इज इन मृक्षरा। बट लेकिन जब शब्द कम पड़ जाए, जब अब बात इतनी गहरी उतर जाए कि अब शब्दों से वो व्याख्या ना हो सके, तब आंसू आते हैं, तब वो कोई भी अनुभव, कोई भी भाव इतना गहरा उतर जाए कि अब शब्द काम न कर पाएंगे, अब आप उनको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं, तो फिर आप उसको सिर्फ आंसुओं से ही व्यक्त कर सकते हैं। अब वो गहरी से गहरे लेवल की दुख हो तो भी आंसू आएंगे, और गहरे से गहरा लेवल सुख हो तो भी आंसू आएंगे, कि अब शब्द कम पड़ गए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टीयर्स। सो रोते सब है, लाइक ना उनका कहने का अर्थ है कि लॉट ऑफ पीपल क्राई, ठीक है, और ज्यादातर जो उनका रोना है दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग, उदासी से, कष्ट से। लोग उदास और कष्ट को अलग लगे, वैसे उदासी और कष्ट दोनों अलग अलग है, दुख अलग है। तो ज्यादातर लोगों का जो रुदन है, रोना है, वो इसलिए है कि कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई काम अटक रहा है, उसकी वजह से रो रहे हैं। लेकिन जब ये रुदन इन बातों से हट करके एक गहराई में उतरने लग जाए, उस गहराई में जहां पे अलग बात है, मतलब अगर रो भी रहे, उदासी भी हो, तो इतनी गहरी हो कि फिर आंसू रुके नहीं, प्रेम भी हो तो उतनी गहरी हो कि फिर वो टिके नहीं, मतलब वो फिर आप उसको कंट्रोल ना कर पाए, दैट इज द लेवल ऑफ टीयर्स। एक लाइन भी बड़ी अच्छी है कि प्रेम और ध्यान में गिरे हुए आंसू गंगा जल से भी पवित्र है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, प्रेम और ध्यान में, ध्यान से गिरे हुए आंसू गंगा जल से भी पवित्र है।